जो अब आएगा उससे भी डबल नकारा होगा। इनके पास है क्या? इनके पास दिशा कहाँ है? इनके पास दृष्टि कहाँ है? दिशा और दृष्टि होती तो राज्य को 4 साल में इतने बुरे हाल में न पहुंचाते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का कसूर है, केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत का कसूर नहीं है, इसमें कसूर मोदी जी का है, अमित शाह का है, पूरे राष्ट्रीय लीडरशिप बीजेपी की, जिन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया है कि ऐसा मुख्यमंत्री। 4 साल तक आपको याद नहीं आया, 4 साल बाद अब जब खुफिया तंत्र आपको बता रहा है कि भैया 2.5 पर नहीं पहुंचोगे, आपके विधायक नहीं जीत रहे हैं, आपके मंत्री हार रहे हैं, प्रदेश के अंदर आपके खिलाफ पूरी प्रचंड आंधी चल रही है, तब आप मुख्यमंत्री बदल रहे हो। सरकार के 4 साल पूरे, 4 साल के बाद 18 मार्च को जो बीजेपी सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं वो जनता के बीच रखने थे। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र शुरू होता है, कई सवालात वहाँ होते हैं, लेकिन अचानक ही एक उथल पुथल वहाँ पर हो जाती है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्या चीज़ रही है आखिरकार? क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले, विपक्ष ने इस पर हमला बोला था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो कहीं ना कहीं उन कई सवाल खड़े कर दिए हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं काजी निजामुद्दीन साहब, जो मंगलौर से विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के हैं। सर, आपसे पूछेंगे, जिस तरह से अभी हलचल यहाँ पर गई है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना पड़ गया, आखिरकार कारण क्या रहे? पिछले 4 साल में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में एक जागरूक विपक्ष के तौर पर हमने अपना काम किया। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामयाबियाँ हैं हमने उसको उजागर करने का काम किया। इनके भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, जिसमें इनके ओएसडी साहब पर 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का हमने आरोप लगाया। इन पे और अलग अलग जो व्यक्तिगत बातें थी वो हमने उजागर की। हरिद्वार में 50 लोग अवैध शराब पीकर मरते हैं और 2 साल में कोई कार्रवाई नहीं होती, ये इनके भ्रष्टाचार की, सरकारी भ्रष्टाचार की सामने आता है। फैक्ट्रियां उत्तराखंड में बंद हो रही हैं, कोविड से पहले बंद हो रही थी। भारत सरकार का एनएसएसओ का जो आंकड़ा है वो बेरोजगारी दर देश में सबसे निचले पायदान पर दिखाता है। आपके टीवी चैनल्स मुख्यमंत्री जी को देश के सबसे निचले पायदान के मुख्यमंत्री बताते हैं। ये चीज़ें हम सब विधानसभा में, किसानों की समस्या, गन्ने पर 4 साल में एक भी पैसा नहीं इन्होंने बढ़ाया, इन सब विषयों को लेकर हम सदन से लेकर सड़क तक हम लोग विषय को उठाते रहे, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बात पर मोहर लगाई है और ये तय किया है कि मुख्यमंत्री सही नहीं थे, ये सरकार सही नहीं थी, ये मुख्यमंत्री गलत थे। अगर ये मुख्यमंत्री सही होते तो भाजपा मोहर क्यों हटाती? तो गलत मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया, तो आज कांग्रेस पार्टी की एक नैतिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार थी, केंद्र सरकार ने माना है कि जो उत्तराखंड की जो त्रिवेंद्र सिंह सरकार थी वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी? काहे को हटाएंगे? भ्रष्टाचार भी माना होगा, उनका एरोगेंस भी माना होगा, उनका जनता के प्रति जो आजकल अविश्वास जनता के बीच में है, किसानों में उनके प्रति अविश्वास है। कुंभ के लिए यहाँ आते हैं हरिद्वार में मुआयना करने और 4 मिनट के अंदर मुआयना कर चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं, किसानों से या जनता से या किसी सामान्य व्यक्ति से तो क्या मिलते, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी के वर्कर्स से उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा। तो अगर इतनी एरोगेंस किसी के दिमाग में है, अहंकार इतना दिमाग में है, जन मुख्यमंत्री आए और वहाँ 2-4 10 हज़ार आदमी ना हो तो कोई जश्ता है? मुख्यमंत्री के आने से 2-4 हज़ार आदमी का तो स्वागत ही होना चाहिए। मुख्यमंत्री उन लोगों से बैठ के बात करे, कब कब मुख्यमंत्री आते हैं, कब कब मुख्यमंत्री आकर कोई इलाके को सौगात देनी चाहिए, आए फोटोशूट कराए और चले गए, तो वो अहंकार मुख्यमंत्री जी का था जो आज जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर मोहर लगाई है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी की नैतिक जीत है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि उनकी नैतिक यहाँ पर जीत है। देखना यही होगा मंत्रिमंडल का जो बैठक होगी, कौन मुख्यमंत्री उत्तराखंड का होगा, देखने वाली बात यही होगी। मंगलौर से TV100 के लिए शमी में। उत्तराखंड में सियासी हलचल लगातार चल रही थी 3 दिन से, उस पर आज विराम लगा है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और नया मुख्यमंत्री की कवायद चल रही है। तो बात करते हैं इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा इससे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा इजेस हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं।
इस जो विराम लगा है मुख्यमंत्री के पुराने 4 साल में, तो इसको देखते हुए कांग्रेस कितना फायदे का सामना है? देखिए, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस तो लगातार कह रही थी, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था इनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जिसे वो बना सकें और इस वर्तमान मुख्यमंत्री को रिप्लेस करके बेटर काम करा सकें। इस समय भी यही स्थिति है, अभी तक वो ये तय नहीं कर पाए हैं कि हमें मुख्यमंत्री किसे बनाना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद क्या कोई अच्छा परफॉर्म करने वाला मुख्यमंत्री है इनके पास, ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा मैच्योर है, ऐसा हम लोगों को भी नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें भी खुद नहीं दिखाई दे रहा। मतलब मैडम, लगातार 4 साल से कांग्रेस ये बात कहती रही है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक जो है कोई कार्य धरातल पे नहीं कर पाए हैं और ना ही इस पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? सारा शहर खोद डाला, अगर आप हल्द्वानी ही ले लीजिए, जब भी कोई विकास का कार्य किया जाता है तो उसमें खोदने के बाद बनाने के भी पैसे दिए जाते हैं, ना कोई बयान है, ना कोई निर्माण हो रहा है, सब खोद दिया गया, कोई पानी की लाइन नाम के नाम पर और कोई सीवेज की लाइन डालने के नाम पर सारा शहर खुर्दबोद हो गया। इससे पहले कांग्रेस शासनकाल में चमकती हुई अच्छी साफ सुथरी सड़कें थी और विकास के कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस जब जब आती है विकास के कार्य होते हैं, जनता का भी मानना है और भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद कोई ऐसा काम करने वाला मुख्यमंत्री वो ला सकेंगे। नहीं, बात करें कि जिस तरीके से 4 साल इन्होंने अपने निकाले हैं, उस 4 साल में जो है इन्होंने जो है काम जो किए हैं, कांग्रेस ने बराबर इस पे उंगली उठाती रही है कि काम नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या साबित होता है जो इन्होंने चेंज किया? देखिए, वो केवल हम ही नहीं उठा रहे हैं, इनके विधायकगण, इनके सांसद, वो भी लगातार चिंता कर रहे थे कि हम क्या 5 साल काट पाएंगे। विधायकगण हमसे भी बात करते थे, सांसदों ने जो उनकी कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें भी अभिव्यक्ति दे दी। जनता संतुष्ट होती है, सब काम तो सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ काम तो सरकार में होने ही चाहिए जो नहीं हो पाए, तो किसी प्रकार का कोई काम, कोई विकास कार्य नहीं हो पाया। जनता का गुस्सा है, तुलना करती है जनता। बात करें कि इनको जो है ये मुख्यमंत्री बदलना इनको जो है महंगा पड़ेगा, क्योंकि आने वाला चुनाव समीप पहुंच गया है, और इस समय मुख्यमंत्री बनना और बदलना ये किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस को इससे कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए, बदलने का समय सही नहीं है, मुख्यमंत्री तो बदले जाते हैं, समय सही है, समय समय नहीं है। 6 महीने के अंदर दूसरा आने वाला भी क्या कर देगा, इनके द्वारा की गई कमियों को कैसे पूरा कर देगा? पूरा प्रदेश का कर्मचारी, छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर, वो आंदोलनरत है, लगातार अपनी मांग कर रहा है, उसका जवाब देने वाला कोई नहीं है और सब परेशान और मना रहे हैं ये कब जाएंगे। तो आज जब इस्तीफा हो गया तो जब दूसरा आएगा तो उन्हें ऐसा मुझे कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है जो आकर एकदम से चीज़ों को सुधार देगा, गलतियों के गड्ढे भर देगा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। इनके पास मैडम 58 विधायक थे जिसके बाद भी सरकार को ये मजबूती से नहीं चला पाए और 3 मंत्री नहीं बना पाए, उसका भी खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है, या कि जो चुनने में गलती करी गई है, आला कमान ने इनको चुनने में गलती करी गई मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, कोई चुनता है तो अपनी क्षमता दिखाने का उसे अवसर मिलता है, इन्हें भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर था। ये 3 मंत्री नहीं बना पाए, क्यों नहीं बना पाए? इन्हें डर था असंतोष से कहीं बगावत ना हो जाए, तो जब ये असंतोष संभालने में भी सक्षम नहीं हुए और ऐसे अवसर पर इन्हें हटा दिया गया, तो आने वाला मुख्यमंत्री भी 3 मंत्री नहीं बना पाएगा। रोज ये भी खबर आती जाएगी 3 ये हटाए जाएंगे, 3 ना ये किसी को हटा पाएंगे, ना ये किसी को बना पाएंगे, निर्णय लेने का की क्षमता नहीं है, डरे हुए हैं और परफॉर्मेंस में 0 हैं। तो इसलिए जनता को तो इनका हटना बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। राजनीतिक ढंग से जो समय का चुनाव था वो गलत है। बात करें, लगातार जो मांगे रखी गई थी कांग्रेस की तरफ से, उसको भी देखा गया 22 के चुनाव में कांग्रेस कितना इसका फायदा ले पाएगी मुख्यमंत्री बदलने का? देखिए, जब किसी की असफलता के बाद किसी को हटाया जाता है तो स्वाभाविक है सामने वाले को उसका फायदा मिलता है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में जनता की, कर्मचारियों की, अन्य की राय यही है, वो काम करती है और राज्य को कुछ आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। हमारे साथ इंदा हृदय जी थी, डॉक्टर इंदा हृदय, नेता प्रतिपक्ष, हल्द्वानी से सर्वेन बीच TV100। उत्तराखंड में सियासी हलचल लगातार चल रही थी 3 दिन से, उस पर आज विराम लगा है, मुख्यमंत्री ने